नमस्ते, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी। अगर आपको कुछ हेल्दी भी खाना है और टेस्टी भी, तो इडली बर्गर बनाएं। जिसके लिए सबसे पहले हम इडली बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी ले ली है और उसके अंदर हम ऑयल को इस तरह से स्प्रेड करके अंदर इडली का बैटर ऐड कर देंगे। इडली बैटर हम आधी कटोरी तक फिल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज की कटोरी ली है। अब कटोरी को हम इडली स्टीमर में अरेंज कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम कटोरी को अरेंज करके इडली को स्टीम कर लेंगे। और जब तक हमारी इडली स्टीम हो रही है, हम बर्गर के लिए टिक्की बना लेते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में एक टेबलस्पून ऑयल को गरम कर लिया है। उसके अंदर ऐड कर देंगे एक टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक, दो टेबलस्पून बारीक कटे हुए सेलरी, दो टेबलस्पून बारीक कटे हुए गाजर, दो टेबलस्पून बारीक कटी हुई कैबेज, दो टेबलस्पून मटर और दो टेबलस्पून स्वीट कॉर्न। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके ऊपर लीड रख कर करीबन 2 मिनट के लिए या फिर अच्छे से कुक हो तब तक कुक कर लेंगे। देखिए, हमारे जो वेजिटेबल्स है वो अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हम अंदर मसाले ऐड कर देंगे। जिसके लिए हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार चीनी और नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अंदर ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए आलू। मैंने यहाँ पे करीबन 1/4 कप जितने आलू लिए हैं और उसे इस तरह से अच्छे से मैश करके मिक्स कर लेंगे। तो हमारा टिक्की का जो स्टफिंग है वो रेडी है। उसे कूल करने के लिए साइड पर रख देंगे और आप देख सकते हैं इडली भी अच्छे से कुक हो चुकी है। उसे भी हम ठंडा कर लेंगे। हमारा जो स्टफिंग है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इससे टिक्की बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हम टिक्की का जो शेप है वो बना लेंगे और उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स को कोट कर लेंगे। हमें ब्रेड क्रम्स को अच्छे से कोट कर लेना है ताकि टिक्की का जो ऊपर का लेयर है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। देखिए, इस तरह से हमें सारी टिक्की बना लेनी है। अब हम टिक्की को शेलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर एयर फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए, अब ऊपर और नीचे दोनों साइड पे हम ऑयल ब्रश कर लेंगे। तो दोनों साइड पे गोल्डन ब्राउन का होने तक हमें टिक्की को कुक करना है। देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी टिक्की रेडी है। और अब हम सॉस बनाते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है चिली सॉस। ऐड कर देंगे केचप, थोड़ा सा मायो और मस्टर्ड सॉस। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा सॉस रेडी है। अब हम बर्गर को असेंबल करेंगे। जिसके लिए सबसे पहले ठंडी की हुई इडली को हम बीच में से काट लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें इसे बीच में से काट लेना है। अब इसके ऊपर दोनों साइड हम बनाया हुआ सॉस लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब सबसे पहले रख देंगे वेजिटेबल टिक्की और उसके ऊपर टोमेटो स्लाइस और स्प्रिंकल कर लेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। वापस से रख देंगे कुकुम्बर और उसके ऊपर भी थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। और अब लेटस रख देंगे और लास्ट में चीज की स्लाइस और ऊपर हम इडली का जो दूसरा हिस्सा है उसे भी लगा देंगे। और इसके ऊपर हम टूथपिक लगा देंगे ताकि जब हम इसे कुक करें तो वो अलग ना हो जाए। देखिए, इस तरह से अब इसे हम दोनों साइड से कुक कर लेंगे या फिर आप चाहे तो आप इसे ग्रिल भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से ऑयल लगा के हम लाइटली ब्राउन हो तब तक इसे दोनों साइड से कुक कर लेंगे। देखिए, तो हमारा
इडली बर्गर है वो एकदम रेडी है। देखिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।